खबर जबलपुर से, जहां धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रों का आमरण अनशन जारी है। आमरण अनशन के दूसरे दिन कुलपति की तरफ से यूनिवर्सिटी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया गया है। कक्षाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। अकादमिक भवन को बंद रखने के लिए अनशनकारियों से जगह खाली करने को कहा गया है। इस दौरान अनशन पर बैठे विद्यार्थियों की सेहत बिगड़ गई है। शुक्रवार को 4 और विद्यार्थियों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। कुलसचिव की तरफ से जारी आदेश में अकादमिक भवन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में देर रात पुलिस भी पहुंच गई है। विद्यार्थियों ने बताया कि प्रशासनिक भवन को खाली करवाने के लिए पुलिस को बुलाया गया है। विद्यार्थी कुलपति को पद से हटाने समेत कई मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं। लॉ यूनिवर्सिटी में सुबह से विद्यार्थियों को शिक्षकों की तरफ से अनशन खत्म करने का दबाव बनाया गया। विद्यार्थियों को अकादमिक भवन से बाहर निकालने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों ने जब बात नहीं मानी तो पुलिस बुलाकर उठाने की बात कही गई। इस दौरान कई विद्यार्थियों के साथ कर्मचारियों की बहस भी हुई। कुछ देर बाद ही 4 अनशनकारी छात्रों की तबीयत खराब हो गई। उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुँचाया गया है। धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलसचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कुलपति के निर्देश पर संकायाध्यक्षों की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि विद्यार्थियों के विरोध को देखते हुए विश्वविद्यालय को बंद कर दिया जाए। इसीलिए 26 अगस्त से शिक्षाविदों के लिए विश्वविद्यालय अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया है। इस बीच छात्रावास और मेस की सुविधा चालू रहेगी। कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। किसी भी विद्यार्थी का अकादमिक भवन में प्रवेश नहीं होगा। यदि विद्यार्थी अनशन जारी रखना चाहते हैं तो पुराने पुस्तकालय भवन में बैठ सकते हैं। प्रशासन ने कहा कि अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन कुछ मांगों पर शासी निकायों को विचार करना है। आगामी बैठक में सभी मांगों को रखा जाएगा। करेगा कॉलेज के गलियारों में।